ब्लॉग 2.0। जैसा मैंने आपको बोला कि यार आज सुबह कोई वीडियो तो बनाने नहीं वाले, तो आज ब्लॉग बनाने वाले आईफोन 14 की सीरीज के जो फोन आए ना वो देखने के लिए जा रहे हैं। अब आपको पता है, देख ही सकते हैं प्राइस तो 1.5-2 लाख रुपए निकल गया। 14 सीरीज के दो फोन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो मैक्स। दोनों की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले हम दिखाते हैं आपको आईफोन 14 फिजिकली आपको कैसा देखने के लिए मिला, 13 से क्या डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिले। फिलहाल मैं आईफोन 12 यूज कर रहा हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत हो नहीं रही। अब ये भी देखूंगा आईफोन 12 से 14 कैसे डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट हुआ तो हो सकता है आज हम 14 भी ले लें। भाई 14 और 14 प्रो मैक्स डेफिनेटली बहुत सही फोन है, लेकिन अगर आप 14 लेना चाह रहे हो और आपका बजट थोड़ा टाइट है तो मैं कहूँगा 13 ले लो, क्योंकि फ्लिपकार्ट की सेल पे ना 13 आपको 50,000 का मिलने वाला है। 23 तारीख से सेल स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आपका बजट सही है तो 14 प्रो मैक्स लेना, क्योंकि डिफरेंस जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो प्रो मैक्स वेरियंट में देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अगर आप 13 और 14 की बात करेंगे तो इनमें दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल कैमरा 15 बाइनिक देखने के लिए मिलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। कैमरा क्वालिटी भी आपको ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिलेगी। अगर आप आईफोन 12 की बात करते हैं, आईफोन 12 में 0.5x की पिक्चर्स काफ़ी अच्छी है, मतलब वो ज़्यादा एरिया आपका कवर करता है एज़ कम्पेयर टू 13 और 14, वो आप अपने आप भी देख सकते हैं। बहरहाल दोनों फ़ोन काफ़ी सही मुझे लगे यार फिजिकली भी, लेकिन 14 तो काफ़ी बड़ा और हैवी सा मुझे लगता है। मैं प्रेफर तो यार 14 गारंटी करूँगा, लेकिन मेरा 12 नो डाउट अच्छा है, और मुझे नहीं लगता शायद मुझे अपग्रेड की जरूरत है 14 में। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। तो मैं तो बोलूँगा अगर आपका बजट गवाही देता है तो प्रो मैक्स वाला वेरियंट ले लो, ठीक है, और अगर नहीं देता तो 12 ले लो, और अगर 12 का भी नहीं देता यार पैसे हो तभी आईफोन लेना, टू बी ऑनेस्ट। ये काफ़ी महंगा सा पड़ जाता है मामला, 1 लाख रुपये से ऊपर का फ़ोन लेना मैं तो जस्टिफाइड नहीं समझता हूँ। सीओ से ले लो, 50,000 रुपये का मिल रहा था।